सुकमारे गृहमंत्री अमित शाह शहीद जवान को श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंते आस केउं कारणरु एबिली घटना घटिथिला ताकुने समीक्षा करिवे गृहमंत्री गतकाली नक्सलक सेना गोली बेनिमरे 22 जवान शहीद होइतबा बळे 31 जवान हात होइथिले सबडे जवान को आक्रमण रे 15 माओवादी निहत होइथिले 20 रु अधिक माओवादी हात होइछंती हार्डकोर माओवादी हिडोमा को धरबा को चालिथिला ऑपरेशन सूचना अनुसार 700 रु अधिक माओवादी ट्रैक्टर सहायरे आक्रमण करबा को आसीथिबा जणा पडिछे। मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है।